हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर रितिका। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। कर लिया है? कर लो, ये सारे काम बहुत जरूरी है। तो ये ही नहीं करोगे तो आप हमारी वीडियो कैसे देख पाओगे आगे बताओ? फिर हमारा मन नहीं करेगा बनाने को। वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम कुछ अलग भी नहीं दिखा बना पा रहे हैं, सिर्फ घर में कपड़े धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, जो कि हमारा काम है करने का। तो यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग आती है इसलिए हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कल वाली वीडियो में भी बताया ना मैंने। तो आज हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग की बजाय हम कोई ना चैलेंज करते हैं। तो थोड़ी देर बाद सोचते हैं हम कि क्या चैलेंज करें। उसके बाद क्योंकि अभी शाम हो रही है, सारा काम हो चुका है, हमें कुछ करना नहीं है। मम्मी खाना बना रही, तुम क्या करें, क्या दिखाएं आपको? हमने सोचा कुछ चैलेंज ही कर लेते हैं अभी, है ना। तब तक के लिए आपको थोड़ी देर ना हम वीडियो को कर देते हैं स्टॉप। तब तक हम सोच रहे हैं कि हमें क्या वीडियो तो बनानी है। मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद चैलेंज के साथ। देखो हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैठ के चैलेंज करेंगे अपना। इधर गेस करो कौन सा चैलेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। डांस वाला भी हो सकता है, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पर हो रही है पनीर बनने की तैयारी। और ये मम्मी ने घी निकाला है, थोड़ा ही निकला इस बार, वरना ये पूरी डोली भर के निकलता है। आज इतना निकला है बस थोड़ा। तो आ गए हैं हम वाटर चैलेंज लेके। ये देखिए, तो इससे तो है हल्दी वाला पानी जो हारेगा उसके लिए, और ये है नॉर्मल पानी जो सबसे ज्यादा पानी पिएगा तो वो जीत जाएगा, उसे हल्दी वाला ये पानी नहीं पीना पड़ेगा। जो हार जाएगा उसे हल्दी वाला पानी पीना पड़ेगा। क्या पता वो ये हो, क्या मुझे नहीं हो। तो इसी बात का लगा भी थोड़ी देर पहले ना, हमने सोचा नहीं था कि वाटर चैलेंज करना है। तो उससे पहले ना मैं एक गिलास पानी पी चुकी हूँ, ऐसे तो मैंने भी पिया था। तो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो इसमें कोई मतलब टाइमिंग वगैरह नहीं है कि कौन कितने टाइम में पानी पिएगा, बस पानी हो जाए। तो मैं दो गिलासों के अंदर डाल लेती हूँ। मैंने कांच की ग्लास इसलिए लिया है ताकि आप लोग ये ना सोचे कि पानी पी नहीं रहे हैं। नहीं नहीं दे, उसको तो हमने इसलिए छोड़ दिया है कि उसने हल्दी वाला पानी पीना जो खाती। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 3 स्टार्ट। ये वाला चैलेंज मैं जीतना चाहती हूँ इसलिए ताकि मेरे को हल्दी वाला पानी ना भी पड़े। कम पानी बचाए तो इसलिए एक गोली गोल ले लेंगे। ये हारे के लिए लग रहा है इसको हल्दी वाला पानी पीना नहीं है। जल्दी ये पेट में दर्द हो गया।
थी भाई उसको ठीक करने गई थी, तो मैंने बोला ना कि हमारा टाई हो गया है, लेकिन तब भी हम लोगों को हल्दी का पानी पीना पड़ेगा। अभी वैसे ही उठ जाएगी जब ये हल्दी वाला पानी पिएगी। वैसे ही सुबह से पापा ने बनवा के रखा हुआ है, सबको पीने के लिए बोला है, मैंने पिया तो साथ साथ चैलेंज भी हो जाएगा और दूसरा पापा की बात भी हो जाएगी पूरी। थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस ऐसा लग रहा है देखो, पर है हल्दी का पानी इसमें थोड़ा ज्यादा है। मैंने सोचा जो मैं पोहा बना रही हूँ उसकी रेसिपी ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो देखो आपको कैसी लगती है। हाँ, मैंने ले लिया है पोहा, प्याज, हरी मिर्च, बीन्स की फली, कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, नींबू का रस और नमक और क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा, राई, हाँ राई बोलते हैं इसको, राई मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटी हुई प्याज। तो इस प्याज जो है हम थोड़ा कच्चा ही खाना पसंद करते हैं पोहे के अंदर, मतलब ज़्यादा पके नहीं, कच्ची कच्ची थोड़ी अच्छी लगती है मुझे घर में, मतलब सबको ही। और अब मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी वो है हरी मिर्च, इतनी मैंने काट ली थी क्योंकि मुझे थोड़ी कम मिर्ची पसंद है लेकिन पोहा बहुत ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने थोड़ा सा चम्मच को अच्छे से चलाया और जल्दी जल्दी मैं सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने टमाटर, और वीडियो बन नहीं पाई, मैंने इसके अंदर हरी वो क्या थी बीन्स की फली भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, नींबू का रस मैं इसलिए पहले डालती हूँ ताकि अगर वो पोहे के ऊपर से डाल दें तो वो कहीं कहीं पर लगता है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, नमक हम कम ही खाते हैं। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पोहा। वैसे मुझे पोहे की और भी बहुत सारी नमकीन बनाने आती है, मैं किसी दिन सिखाऊंगी सबको, मतलब आप लोगों को। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अपना कटा हुआ हरा धनिया, राई, धनिया, ये जो चीज़ें होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है हर खाने में डालने के लिए, मैं डाल देती हूँ चाहे ना भी डलती हो उस खाने के अंदर। चावलों के अंदर भी मैं राई का चोक लगा देती हूँ और मतलब कुछ भी बनाऊँ। अब मेरा रेडी हो गया पोहा,
तो देखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में बहुत सुंदर था। देखो कैसे कच्ची प्याज दिखाई दे रही है आपको साइड में, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है।